Yes, Krishnamurti. क्लम्सी हो? मैं तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम्हें दिखता नहीं। आर यू ब्लाइंड? ऑफ लेफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा खड़े रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? डेंजर मार्क क्रॉस करने की क्या जरूरत थी? क्लम्सी, तुम्हारा सर अगर जमीन से टकरा जाता तो क्या होता तुम्हें? अगर मर जाती तो? हाँ, समझ में नहीं आता तुम लोग क्या कैन यू यूज योर ब्रेन? हु ब्रॉट देम हियर? किसे लाया है यहाँ? कौन तुम? इन्हें क्या यहाँ घुमाने लाए थे? डोंट यू नो द रेगुलेशंस? अगर इसे कुछ हो जाता तो? लापरवाही इनकी और बदनामी होगी हमारी। खून पसीना बहाकर हम एक ट्रेडिशन सेट करना चाह रहे हैं। और प्लीज क्लम्सी ऑफ, तुम्हारा नाम क्या है? नेवी में भर्ती होने आई, अपने आप को तो संभाल नहीं सकती, देश को क्या खाक संभालोगी? Pick it up. Pick it up. Quick. You will pay for this. On your knees. Now crawl on the floor. Quick. ऐसे ही वर्कलोड क्या कम है कि औरतें अब नेवी में आकर अपना टेंशन बढ़ाएंगी? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे वांट दिस वुमेन इन द नेवी। ओके, कम ऑन अप। ऑलराइट, नाउ टेक 10 राउंड ऑफ द एस्केप ऑन द डबल। तुम लोग क्या देख रही है? यू ऑल्सो कम ऑन द डबल। No, you're not excused. You take care of them, Lieutenant. Please relax. Please relax. Please relax. How much is that? It's shoveling. Nikki, don't. Not again. Please, we'll get punished again. Please. If I didn't give her to show her, what would happen to her? कर्नल सचदेव की बेटी ने निकली सचदेव, स्टॉप।
ऐसे ही वर्कलोड क्या कम है कि और दे अब नेवी में आकर अपना टेंशन बढ़ाएंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे वांट दिस वुमेन इन द नेवी. I don't understand why they want these women in the Navy. मैम, ये सारी क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं और उनके इंप्रूवमेंट. मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सचदेव. पिछले हफ्ते से तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंप्रूव हो गई है. थैंक यू मैम. पता नहीं वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो तुम्हें पुश कर रही है. एनीवेज, रिलैक्स नाउ एंड रिपोर्ट टू द लेक्चरर. यस मैम. लेकिन मैम, शाम को घर आ रही हो ना? मैम, आई डोंट नो. क्यों? मैम, कैडेट का एक सीनियर ऑफिसर के घर आना अनएथिकल है ना? आई नो, लेकिन तुम्हें साहिल ने बुलाया है. मैं साहिल की माँ हूँ. ऐसा मत सोचना कि तुम एक नेवी ऑफिसर के घर आ रही हो. सुनो, साहिल इज अ वेरी सेंसिटिव बॉय. अगर तुम नहीं आई ना, ही बी वेरी अपसेट. और वैसे भी करण तुम्हें मिलना चाहते हैं. सो व्हाई डोंट यू कम एंड हैव डिनर विद अस? ठीक है, मेरे ऑफिस में जाके लिबर्टी ले लो और मुफ्ती में आना. यस मैम. सी यू. She's got cramps in her stomach. Take her to the sick bay immediately. Yes, ma'am. Nikita. Yes, ma'am. Very well done. Keep it up. Thanks, ma'am. Hello. It's okay, Villa. So, Vinita, how are you feeling now? Oh, I'm fine. थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ. तुम जानती हो आज तुम्हारी जान किसने बचाई? कैरेट निकिता सचदेव. भाई, तुम्हारी राइवल. तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को पता नहीं तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? ये एकेडमी है विनीता, कोई वॉर ग्राउंड नहीं है कि इस तरह की राइवलरी रखो. मैंने कुछ नहीं किया.
क्या तुम्हें इतने दिनों से चल रही नोकझोंक याद नहीं? कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इन तमाम खेलों में तुम हमेशा फाइट इंस्टिगेट करती रही। विनीता, अगर तुम लोगों में यूनिटी नहीं होगी तो टीम स्पिरिट कहां से आएगी? और शिफ्ट में जो तुमने हरकत की वो कितनी घटिया थी। तुम क्या समझते हो तुम्हें कोई देख नहीं रहा था? मैं अगर चाहता तो उसी वक्त तुम्हारा मैटर ओपन कर देता। जानती हो तुम्हारे साथ क्या होता? तुम्हारी इस हरकत की वजह से निकिता का अगर कुछ भला बुरा हो जाता तो उसके करियर का क्या होता? एंड ऑन टॉप ऑफ इट, तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं कि तुम्हारी गलतियों की सजा वो भुगत रही। तुमने देखा वो कमांडर उससे कितनी बुरी तरह से पेश आए? अगर वो लड़की चाहती तो आज अपना अकाउंट स्क्वायर कर लेती, तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाती, क्या कर लेती तुम और क्या होता तुम्हारे करियर में? एनीवे, वी हैव डिसाइडेड कि तुम्हारे किए की सजा तुम्हें मिलेगी। शट अप! शर्माती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। इस तरह की हरकत करता है कोई? एंड रिमेंबर, दिस इज योर फाइनल वार्निंग। तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। क्यों बिल्ली में रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
Before calling, any of the boats which are required to be checked before the boat is launched into the sea. You must ensure your tiller, your rudder is shipped in. All are to the boat. The cadets will be sitting, 5 in number cadets, who will be pulling or put on, so that it can easily be opened. Set up your rope properly. And check your crutches is properly fitted. देखो ये मेरे और विनीता के आपस की बात है, तुम इसके बीच में नहीं बोलोगी। निकिता, तुम क्या समझते हो? निकिता सचदेव को हराना तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद है? बेस पर उस ऑफिसर के बात को भूल गई तुम? कितना बुरा भला कहा था उसने मुझे? मेरी कॉम्पिटिशन उसके साथ है। और देखो एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम्हें अगर कॉम्पिटिशन करनी है तो अपने आप से करो और मुझे उसमें मत घसीटो। तुम्हें उस बात का बुरा नहीं लगा जब उस ऑफिसर ने कहा था कि लड़कियां बेसिकली क्लमजी होती है? मेरी कॉम्पिटिशन उस ऑफिसर के साथ है, मेरा एम पूरी नेवी को लेकर है। अगर तुम्हें उस ऑफिसर से कॉम्पिटिशन करनी है ना तो मेरे साथ खोलो, वरना आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग है। ओके? I'm sorry, निकिता। It's all right. चलो दौड़ना शुरू करो। I can't go on. Why not? Come on. नहीं। Boys, come on. Just help me, please. ये पकड़ लो। Sani, please. Come on, we'll help you. चलो, be a sport. That's it. Good. Come on. हाँ, योशी, एक मिनट। मामी से?
साहिल। हेलो साहिल, हाउ आर यू? कहाँ से बात कर रहे हो? अरे गोवा से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सुना तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो गया। कुछ नहीं यार, बस यूं ही। Who is the culprit? कौन है जो तुम्हें इतना चेंज कर गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खुद से ही कंपटीशन महसूस कर रही हूँ। कहीं वो एयरबेस वाला ऑफिसर तो नहीं? सुना है कि तुम्हारा किसी सीनियर से पंगा हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? नाम साहिल है मेरा, दुनिया की खबर रखता हूँ। नहीं साहिल, मजाक नहीं, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। अरे बाबा नाराज मत हो, मुझे निवेदिता ने बताया था कि तुम्हारी किसी सीनियर से चकमक हो गई है। अरे हुआ क्या? हेलो। हाँ हेलो, अभी मिले रहे ना, तभी बताऊंगे। ओके मैं आ रहा हूँ। ओके बाय, सी यू। आज डिनर में मलाई कोफ्ता है। निवेदिता, तुमने साहिल को एबेस वाली बात क्यों बताई? दोस्त है हमारा, बता दी। तुम्हें किसने कहा था मेरे मामले में दखल देने के लिए? सॉरी मुझे नहीं पता था तू इतना गुस्सा हो जाएगी। देखो आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, समझी ना? सॉरी, मुझे लगा कि सीक्रेट बांटने से दिल हल्का हो जाएगा। अरे यार, पर साहिल क्यों मिला तुझे? क्योंकि साहिल की बातें तुझे इफेक्ट करती हैं। मुझे इफेक्ट करती है साहिल की बातें? मारूंगी ना पकड़ के। ओ माय मेन्यू। चल साहिल लेने आता होगा, मैं जा रही हूँ। बाय। अरे वेट वेट वेट, लो आ गया मेरा घर। एडमिरल खुराना का नहीं, वो यहाँ सिर्फ रहते हैं। साहिल, यू शो ना? हर दागे तमन्ना को दिल से लगाता हूँ कि घर आई हुई दौलत ठुकराई नहीं जाती। वैसे मेरे डैडी भी यही कहते हैं। डोंट टेल मी, वो भी शायर हैं? थे, लेकिन कमांडर कश्मीरा से शादी होने के बाद। आई नो, उनकी शायरी बंद हो गई। जी नहीं, उनकी बोलती बंद हो गई। आप यहाँ ठहरिए और मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। Okay, alright. I'll just get down here. जल्दी आना। Yes. तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूं? यूं का मतलब? तुम्हें सीनियर्स को सलूट करने की तमीज नहीं? देखो ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर तुम्हें आना मना है। अगर कमांडर से मिलना चाहती हो तो कल ऑफिस में मिल लेना। मैं जानती हूँ। तो जानकर भी अंदर चली आई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सूरजबान! एक्सक्यूज मी सर, मुझे यहाँ महज आने नहीं दिया है बल्कि इनवाइट किया गया है। तुमको यहाँ किसने इनवाइट किया? हाय सिटी, कहाँ थे सुबह से यार? साहिल, मीट माय फ्रेंड निकी सचदेव, और ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ खुराना, मेरे बड़े भाई।